अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये उन बच्चों के लिए जो क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मतलब इंटरमीडिएट इम्तहान देने के लिए तैयारी कर रहे थे और उनका 15 जून से एग्जामिनेशन होने वाले थे, उससे रिलेटेड मैं आपको तमाम न्यूज़ इसमें बताऊँगा और साथ साथ आपके स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि 15 तारीख से जो 15 जून से जो कराची बोर्ड इंटरमीडिएट के इम्तहान हैं वो मुलतवी होने का खदशा है। मुलतवी मतलब कि दोबारा से कोई न्यू डेट आने का खदशा है। वो किस वजह से खदशा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस वजह कर ये इम्तहान मनसूख हो सकते हैं और फिर इसकी कोई नई दिन मनसूख तो नहीं मुलतवी हो सकते हैं और इसकी कोई नई डेट आ जाए, तो उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा बेटा। और इस तरह की तमाम वीडियोज़ मैं आपको देते रहता हूँ, न्यूज़ देते रहता हूँ, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना है ताकि जैसे ही कोई कन्फर्मेशन हो आप तक फौरन से पहुंच जाए। तो ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ कराची की न्यूज़ है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। ARY न्यूज़ जो है हमारा वो भी इस न्यूज़ को तस्दीक कर रहा है और वो कह रहा है कि 16 जून से बेटा 16 जून से आपके सिंध में, ठीक है, सिंध सूबा में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, लोकल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसकी वजह कर गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं और साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो इलेक्शन का सेंटर बनता है और इस सूरत पे जो आपके कॉलेजेस होंगे, ये स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट, अगर वो इलेक्शन का सेंटर बनेगा तो आप एग्जामिनेशन देने कहाँ से जाओगे, क्योंकि 15 जून से क्या 15 जून जो है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ वाइट स्क्रीन, 15 जून जो है वो आपका आया था एग्ज़ाम्स की डेट आई थी, क्या आई थी 15 जून आपके एग्ज़ाम्स की डेट आई थी, 2021 से आपके एग्ज़ाम्स होने थे। लेकिन इस दफ़ा क्या हो रहा है, ये जो न्यूज़ आ रही है कि 16 जून से आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, सिंध में इलेक्शंस हो रहे हैं, लारकाना और सक्कर वगैरह में और शासन कराची के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस के इम्कान हैं। अगर ये इलेक्शन बेटा मुलतवी नहीं होते हैं, ये इलेक्शंस की डेट आगे नहीं बढ़ती, तो ये तो कन्फर्म हो जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन फिलहाल नहीं होंगे। क्या फिलहाल नहीं होंगे से मुराद के इस सीज़न जो आने वाला है आपका, इलेक्शन में तकरीबन आपके दिन लग जाते हैं, तैयारियां करनी पड़ जाती हैं, तो कुछ टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और शायद 26 तारीख को इलेक्शन एन हो रहा है, ठीक है, 16 से स्टार्ट है और 26 को एन है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है बेटा कि आपके इम्तहानात होने के ज़्यादातर चांसेस हैं कि मतलब कि मुलतवी हो जाए और इसकी बाद में कोई दिन अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो इस बात को याद रखना कि अभी ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है, अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत जल्द क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्योंकि कल ही एक मीटिंग बिठाई जा रही है स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि एग्जामिनेशन है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। बेटा यानी जो न्यूज़ जो थी ना, ये न्यूज़ मेरे काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे सर जो हैं हमारे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ाते हैं, तो वो पहले ही से कह रहे थे कि 15 जून से इंटर के एग्ज़ामिनेशन है वो होने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं और शायद ये हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशन 15 जून से स्टार्ट ना हो बल्कि एग्जामिनेशन कब हो, अब बकरीद के बाद हो, लेकिन उसकी डेट आ जाएगी, किस तरह से क्या करना है, या बकरीद से पहले हो जाए, ईद उल अधा से पहले हो जाए या उसके बाद हो जाए, उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन ये आपके लिए खुशखबरी इस बात से है कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी उन बच्चों को तैयारी करने का और वक्त मिल चुका है और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बेटा अपने अपने चैनल में आपको प्रोवाइड करता हूँ गैस पेपर, आपके MCQs की तैयारी करवाता हूँ और साथ साथ एक WhatsApp ग्रुप है, अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आप फ़ौरन से उसमें ऐड हो जाओगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पेपर्स और क्वेश्चंस पेपर्स आपको प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, अपनी तैयारी को फ़िलहाल तो मुकम्मल रखनी है और तैयारी जिस तरह से आप कर रहे हो उसी तरह से करते रहना है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कन्फर्म होगा मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो उसको अपलोड करने के लिए आपको मेरे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कल ही ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपके एग्जामिनेशन जो है वो 15 जून से होना है कि नहीं होना है, तभी आपकी जो डेट शीट है, टाइम टेबल है, वो लेट आ रही है, अब तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, वो इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि हमें इलेक्शन में जाना था। तो एक बात याद रखिएगा, ये लोकल बॉडी इलेक्शन हैं, बल्दियाती इलेक्शन हैं, जनरल इलेक्शन नहीं है,
बल्दियाती इलेक्शन होने के इम्कान हैं जो कि 16 जून से स्टार्ट होने हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि अभी कन्फर्म नहीं है, जैसे ही कन्फर्म होगा मैं आपको इतला दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बर वक्त आपको बता सकूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने तैयारी वैसे ही रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ तैयारी आपने वैसे ही रखनी है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको बहुत वक्त मिल चुका है कि आप याद करना छोड़ दें, नहीं, अपनी तैयारी आपने रखना है। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी MCQs हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड, केमेस्ट्री से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने MCQs होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। और ज़्यादातर मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको मैथमेटिक्स के MCQs सॉल्व करके और केमेस्ट्री के MCQs सॉल्व करके दूँ एज अ लाइव वीडियो में या फिर एज अ रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, तो कोशिश पूरी मैं करूँगा आपकी तैयारी करवाने की, बस आपने क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है और दुआओं में याद रखना है और अपना आसपास का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक सही और एक जेन्युइन रीज़न, एक जेन्युइन न्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।